प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को शिमला में आयोजित होने वाली रैली के लिए भाजपा ने शिमला में घरों व बाजारों में निमंत्रण देना शुरू कर दिया है। आज शिमला में भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में निमंत्रण बांटने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल रहा है और देश सहित प्रदेश की जनता उन्हें स्नेह करती है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने और आम लोगों को इसमें शामिल होने के लिए भाजपा ने शिमला शहर के विभिन्न वार्डो में घर घर जाकर निमंत्रण बांटने की शुरुआत की है। इसी कड़ी में शिमला के माल रोड व लोअर बाजार में भी निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हिमाचल से विशेष लगाव है और हिमाचल को भी उनसे बेहद उम्मीदें हैं। आप को सबको जैसे मालूम है कि 31 मई वो ऐसा दिन है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 31 मई को शिमला के रिज पर आ रहे हैं और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में आएं, मोदी जी के विचार सुनें। और हमें खुशी है कि ये कार्यक्रम जो है वो एक तरह का नेशनल कार्यक्रम है। मोदी जी यहाँ से देश के सभी जिलों में संबोधित करेंगे, सभी जिलों के लोगों से जुड़ेंगे और जहाँ पर अलग तौर पर भी बाद में उनका एक भाषण होगा जो हमारे लिए प्रेरणादायक, क्योंकि आने वाला चुनाव भी हमारा है, उसके लिए भी हमें बहुत बूस्ट मिलने वाला है। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है और गर्व का विषय है कि आदरणीय मोदी जी ने अपने 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के ऊपर हिमाचल प्रदेश को चुना है। ये हिमाचल वासियों के लिए हर्ष की बात है। माननीय मोदी जी का 8 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और इसको मनाने के लिए माननीय मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं, ऐतिहासिक रिज का मैदान। वहाँ से माननीय मोदी जी ना केवल प्रदेश की जनता को अपितु पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे। जैसा कि माननीय मोदी जी देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे और करीब 20 लाख लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक पल है। और विशेष रूप से माननीय मोदी जी, जिनका हिमाचल प्रदेश से बहुत पुराना नाता है, बहुत लगाव उनका है, तो उन प्रदेश की जनता उनके स्वागत के लिए और उनके दीदार के लिए जो है यहाँ उस दिन आ रही है। हमने एक बड़ा लक्ष्य रखा है और उसी दृष्टि से आज हम शिमला के जो हमारा माल रोड है और हमारा लोअर मार्केट है, शिमला के सभी वार्डों में हम घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में माननीय मोदी जी को देख सके, उनको सुन सके। एक ऐतिहासिक पल होगा 31 तारीख का दिन, जब माननीय मोदी जी ऐतिहासिक रिज के मैदान से पूरे देश भर को संबोधित करेंगे।